हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच में जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपको कौन से प्लेयर को स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है, कौन से प्लेयर को आपको जीएल में ट्राई करके चलना है। देखो, मैं ऐसा नहीं कि इस प्लेयर को भी जीएल में ट्राई करो, इस प्लेयर को भी स्मॉल लीग में ट्राई करो। मैं आपको कन्फर्म एंड डिफॉल्ट ऑप्शन बताऊंगा किसको आपको स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है एंड किसको आपको जीएल में ट्राई करके चलना है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और इस वीडियो में हम आपको रिसेंट फॉर्म बताएंगे पांच मैचेस का, जो प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस कर रखे एंड हेड टू हेड में कैसा प्रदर्शन है, वेन्यू पर कैसा प्रदर्शन है एंड फर्स्ट इनिंग एंड सेकंड इनिंग में प्लेयर्स ने कैसा प्रदर्शन कर रखा है, सब कुछ इस वीडियो में प्लेयर वाइज डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए और एक अच्छा टीम क्रिएट कर सको स्मॉल लीग के एंड जीएल के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैच आपको 6 सितंबर को शाम को 6:30 बजे ग्रेनेज क्रिकेट ग्राउंड क्लब एडिनबर्ग में खेला जाएगा के लिए। देखो, बात कर लेते हैं। देखो, जो हमने अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर आपको फाइनल एंड अपडेटेड टीम मिलेगा। देखिए, आफ्टर टॉस प्लेइंग 11 में अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस आ जाता है तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है कि कौन सा प्लेयर कौन से बैटिंग ऑर्डर पर आएगा। ये सब मैं आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और फायदा देखो। नहीं फायदा होता तो आप लीव कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना बैकअप के लिए। तो बात करते हैं पिच रिपोर्ट का। तो ये मैच आपको एडिनबर्ग में खेला जाएगा। देखो, यहाँ का एवरेज स्कोर का बात किया जाए तो 172 रन है और हाइएस्ट स्कोर 245 रन 5 विकेट को ओकर और लोएस्ट स्कोर 82 रन 10 विकेट को ओकर। अगर बात करें इस वेन्यू पर टोटल 16 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें 11 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 5 मुकाबले जीते हैं। अगर बात करें स्कोरिंग पैटर्न की तो 150 के नीचे आपको 4 बार स्कोर बनाए और 150 से 169 के बीच में 5 बार और 170 से 189 के बीच में 1 बार और 190 के पर आपको 6 बार स्कोर बनाए। देखो, मैंने आपको कल के जो पहले मैच का वीडियो हमने अपलोड किया था उस मैच में आपको बता दिया था कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करेगी तो आप 200 प्लस रन एक्सपेक्ट करके चलना इस पिच पर और वहीं पर स्कॉटलैंड की टीम पहले बैटिंग करेगी तो 150 से 160 के बीच में रन एक्सपेक्ट करके चलना। सेम वैसा ही स्कोर हुआ, 153 रन स्कॉटलैंड ने बनाई थी। बट इस मैच में भी आपको कह रहा हूं मैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो 220-230 रन आप एक्सपेक्ट करके जा सकते हो। अगर स्कॉटलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप 160 से 165 के बीच में रन एक्सपेक्ट करके चलना, इससे ज्यादा रन स्कॉटलैंड आपको नहीं स्कोर करती है दिखेंगी। बात करते हैं पेसर और स्पिनर्स में, तो पेसर्स ने यहाँ पर 87 विकेट और स्पिनर्स ने यहाँ पर 46 विकेट पिक कर रखे हैं। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात किया जाए तो 35% विकेट आपको स्पिनर्स ने एंड 65% विकेट आपको पेसर्स ने पिक कर रखे हैं। तो जो क्वालिटी पेसर्स होंगे उनको अपने टीम में ट्राई कर लेना एंड जो क्वालिटी स्पिनर्स होंगे अपने टीम में प्रेफरेंस देके आप जा सकते हो। बात करते हैं रिसेंट मैचेस का। तो देखो, स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो लास्ट मैच खेला गया था उसमें स्कॉटलैंड की टीम ने 154 रन 9 विकेट खोकर 20 ओवर में स्कोर किए थे। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 156 रन 3 विकेट खोकर सिर्फ 9.4 ओवरों में इस टारगेट को चेस कर लिया था, जिसमें पेसर्स ने 8 तो स्पिनर्स ने 4 विकेट पिक किए थे। वहीं से पिछला मुकाबला स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच में खेला गया था जिसमें स्कॉटलैंड की टीम ने 213 रन 6 विकेट खोकर 20 ओवर में स्कोर किए थे। वहीं पर आयरलैंड की टीम 205 रन 9 विकेट खोकर 20 ओवर में इस टारगेट को चेस नहीं कर पाई थी, जिसमें पेसर्स ने 9 तो स्पिनर्स ने यहाँ 5 विकेट पिक कर लिया था। उससे पिछला मुकाबला जर्मनी और इटली के बीच में खेला गया था जिसमें जर्मनी की टीम ने 141 रन 10 विकेट खोकर 20 ओवर में स्कोर किए थे। वहीं पर इटली की टीम ने 147 रन 6 विकेट खोकर 18.5 ओवरों में इस टारगेट को काफी आराम से चेस कर लिया था, जिसमें पेसर्स ने 11 तो स्पिनर्स ने 3 विकेट पिक किए थे। वहीं से पिछला मुकाबला स्कॉटलैंड और डेनमार्क के बीच में खेला गया था जिसमें स्कॉटलैंड की टीम ने 159 रन 7 विकेट खोकर 18 ओवर में स्कोर किए थे। वहीं पर डेनमार्क की टीम ने 126 रन 7 विकेट खोकर 18 ओवर में इस टारगेट को चेस नहीं कर पाई थी, जिसमें पेसर्स ने 6 तो स्पिनर्स ने 8 विकेट पिक किए थे। देखो, मैं आपको ओवरऑल एक बार बता देता हूँ, अगर बढ़िया टीम पहले बैटिंग कर रही है, जहां पर भी आप देखोगे ना, यहाँ पर स्कॉटलैंड बढ़िया टीम थी आयरलैंड के मुकाबले, इन्होंने अच्छा खासा रन स्कोर किया। यहाँ भी आपको देख सकते हो बढ़िया स्कोर किया, सेकंड में जो बैटिंग करी उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो बढ़िया टीम अगर पहले बैटिंग करी है तो आप एक अच्छा रन एक्सपेक्ट करके जा सकते हो इस मैच में। और पेसर और स्पिनर्स में आप पेसर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देना और सेकंड इनिंग में जो क्वालिटी स्पिनर्स गेंदबाजी कराएंगे उनको अपने टीम में ट्राई करना, अदरवाइज सेकंड इनिंग में आप थोड़ा सा कम प्रेफरेंस देकर जा सकते हो पेसर्स को। बात कर लेते हैं हेड टू हेड के बारे में। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया ने और स्कॉटलैंड के बीच में 2 मुकाबले खेले गए और दोनों के दोनों आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी आराम से जीते हैं। अगर बात किया जाए स्कॉटलैंड 5 में से 2 मुकाबले जीत करा रही है, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 में से 3 मुकाबले जीत करा रही है। तो आप ना
95% फेवर कर, 95% फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया करके जा सकते हो। सिर्फ 5% प्लेयर्स को अपने टीम में ट्राई करना स्कॉटलैंड की तरफ से, लाइक ब्रेंडन मैकमुलन, ये टीम थोड़े बहुत जिताने के चांसेस रखते हैं, बट बहुत रेयर चांस में आपको स्कॉटलैंड की टीम जीतती हुई नजर आएगी, क्योंकि इनका बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग है और बॉलिंग लाइनअप भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट करके इस मैच में आप जा सकते हो। बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 की, तो देखो जैक प्रेसन, मैग्रुक, ट्रेविस सेड, मिचेल मार्श, जॉस इंग्लिश, मार्कस एस्टोनिस, कैमरन ग्रीन, टिम डेविड, सीन अबोट, एक्जेवियर बार्टलेट और एडम जंपा रिले मेरे देते, ये हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो कि इस मैच में खेल सकती है। स्टार्टिंग ओवर आपको सीन अबोट, एक्जेवियर बार्टलेट, रिले मेरेदीत ये कराएंगे, और डेथ में आपको सीन अबोट, एक्जेवियर बार्टलेट और रिले मेरेदीत आपको डेथ में गेंदबाजी कराते हुए दिख सकते हैं। लास्ट मैच में डेथ में आपको सीन अबोट ने काफी तगड़ा प्रदर्शन किया था और 2 से 3 विकेट इन्होंने पिक किया था, और रिले मेरेदीत ने 1 विकेट डेथ में पिक किया था। वहीं बार्टलेट का मैक्सिमम ओवर पावर प्ले में करा दिया गया था और 1 ओवर सिर्फ इनको डेथ में मिला था। बात कर लेते हैं अब इनके प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के, तो देखो ट्रेविस सेड के बारे में बताने की जरूरत नहीं, इनको आप बाय डिफॉल्ट स्मॉल लीग में ट्राई करके जा सकते हो। इनका रिसेंट देखो काफी तगड़ा हैड टू हेड भी बढ़िया और वेन्यू पर भी काफी अच्छा रिकॉर्ड है, तो आपकी टीम के बाय डिफॉल्ट प्लेयर होने चाहिए स्मॉल लीग के लिए, एंड कैप्टनसी के भी बाय डिफॉल्ट चॉइस होने चाहिए। जैक फ्रेसर मैग्रुक लास्ट मैच में 0 स्कोर किए थे, तो इसके वजह से लोग इनको अब कैप्टन से वाइस कैप्टनसी तो भले ही ना देंगे, बट स्मॉल लीग में ट्राई करेंगे, बट कैप्टन से वाइस कैप्टनसी नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ इस मैच में आप इनको कैप्टन से वाइस कैप्टनसी देकर चलना, आपका विनिंग 100% कन्फर्म होगा, क्योंकि देखो ये बैटिंग पिच है जहां पर बैट्समैन काफी अच्छा रन स्कोर करके जा रहे हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के अपने प्लेयर्स देखे थे लास्ट मैच में, उन्होंने काफी तगड़ा प्रदर्शन किया था, इस हिसाब से देखो इस मैच में आपको ये अच्छा खासा रन स्कोर करके जा सकते हैं, तो इन पर आप नजर बना के चलना। उसके बाद मिचेल मार्श लास्ट मैच में 39 रन स्कोर किए थे, उससे पहले 37, अगर हेड टू हेड में बात किया जाए तो 2 मैच में 47 रन 23 के एवरेज से, और वेन्यू पर 1 मैच में 39 रन 39 के एवरेज से। तो मिचेल मार्श को अपने टीम में ट्राई कर लेना, बट कैप्टन से वाइस कैप्टनसी थोड़े रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर इतना स्ट्रांग है कि इनको मान लो नंबर 3 पर भी बल्लेबाजी करने आते हैं, क्या पता इनको प्रॉपर गेंदे खेलने को ना मिले, या सेकंड इनिंग की बात कर रहा हूं, पहली इनिंग में तो डेफिनेटली आप इनको ट्राई करके चलना और जीएल में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी करके जा सकते हो, बट सेकंड इनिंग में आप क्या पता 10 विकेट से चेस कर जाए ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो शायद इनकी बैटिंग ही ना है। उसके बाद जॉस इंग्लिश का बात किया जाए तो 27, 18, 37, इनका देखो रिकॉर्ड तो अच्छा है, बट ये थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आ रहे, तो फर्स्ट इनिंग में तो फिर भी रिस्क लेके जा सकते हो इनको, बट सेकंड इनिंग में डेफिनेटली इनको मत ट्राई करना, सेकंड इनिंग में आपके लिए रिस्की चॉइस होंगे। बाकी मार्कस एस्टोनिस और कैमरन ग्रीन देखो अभी के लिए आप इनको ट्राई कर लो, अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो क्योंकि इनका 2-2 ओवर कन्फर्म रहता है, 2-1 गेंदबाज कराता है, 2-1 गेंदबाज कराता है। लास्ट मैच में कैमरन ग्रीन को 1 विकेट भी मिला था और इनको बैटिंग आई थी बट कुछ गेंदे खेलने को मिली थी, सिर्फ 8 रन स्कोर कर पाए थे, मतलब नॉट गए थे। तो दोनों को अपने टीम में ट्राई कर सकते हो, प्रॉपर बैटिंग और बॉलिंग दोनों से मौका मिल सकता है अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो सेकंड इनिंग में मेबी अगर इनका ओवर ना कट जाए, ये भी ध्यान में रख के चलना। बाकी टिम डेविड इनको तो अब जीएल में ट्राई करके चलना, स्मॉल लीग में बताने का कोई फायदा बनता नहीं है, काफी नीचे बैटिंग करने आते हैं और इनके समय तो बैटिंग आएगी भी नहीं मेरे हिसाब से, जब तक स्कॉटलैंड का मैचेस चल रहा है। बाकी सीन अबाउट लास्ट मैच में 3 विकेट पिक किए थे, उससे पहले 1, फिर 0, फिर 1, फिर 4। देखो इनको आप स्मॉल लीग में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी भी देके जा सकते हो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो, सॉरी बॉलिंग कर रही है तो, और अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बॉल सेकंड इनिंग में भी बॉलिंग कर रही है तभी इनको वाइस कैप्टनसी डेफिनेटली देके चलना, तब भी आपको अच्छे खासे विकेट निकालते हुए देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बार्टलेट की, तो देखो पावर प्ले में काफी तगड़ी गेंदबाजी करते हैं, इन्होंने 1 ही ओवर में 2 विकेट निकाल लेते हैं पावर प्ले के, तो इस बात आप ध्यान में रख के चलना, ये अच्छा खासा स्विंग करा लेते हैं तो इसकी वजह से अच्छे खासे विकेट निकाल के चले जाएंगे, तो स्मॉल लीग में तो बाय डिफॉल्ट इनको ट्राई करना ही करना है। बाकी जीएल में इनको कैप्टन और वाइस कैप्टनसी डेफिनेटली रोटेट करके चलना। एडम जंपा 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 4 विकेट और 1 विकेट है, हेड टू हेड में 2 मैच में 3 विकेट और वेन्यू पर 1 मैच में 2 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। देखो जंपा काफी अच्छा लेग ब्रेक बॉलर है और ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है स्पिनर्स की बात किया जाए तो, और स्कॉटलैंड स्पिनर्स को बढ़िया नहीं खेल पाती है, ये एक मेन रीजन है कि इनको अपनी स्मॉल लीग की टीम में चाहे पहले बॉलिंग करे ऑस्ट्रेलिया की टीम चाहे सेकंड बॉलिंग करे, इनको अपनी टीम में बाय डिफॉल्ट कैप्टन और वाइस कैप्टनसी देके जा सकते हो। लाइक आप एडम जंपा को वाइस कैप्टनसी कर दो और ट्रेविस हेड को वाइस कैप्टनसी कर सकते हो, ऐसा कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन भी आपके लिए परफेक्ट बैठ सकता है। बाकी रिले मेरेदीत लास्ट ओवर में इनको एक विकेट मिल गया था, 19वें ओवर की बात कर रहा हूँ, बट उससे पहले 3 ओवर में विकेट लेस रहे थे, बट इस मैच में आपको अच्छे खासे विकेट निकालते हुए दिख सकते हैं। एक टैलेंटेड फास्ट बॉलर, अगर आप बीबीएल फॉलो करते होंगे तो उसमें ये सबसे बेस्ट गेंदबाज हो जाते थे हुबार्ट हरिकेन्स के लिए। इनको अपने टीम में बाय डिफॉल्ट ट्राई करके चलना और जीएल में इनको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी रोटेट करके जा सकते हो। बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया के बेंच प्लेयर की बात किया जाए तो आरोन हार्डी, नाथन एलिस और कोनोर कोनोली दिख सकते हैं। देखो कोनोर कोनोली ओपनिंग भी करते हैं, बट ओपनिंग का स्लॉट भी नहीं बचा, नहीं मिडल ऑर्डर में कोई खाली है, तो आपको ये बेंच पे ही दिख सकते हैं। बट नाथन एलिस आ सकते हैं बार्टलेट और रिले मेरेदीत के प्लेस पे। बात कर लेते हैं स्मॉलिंग में बाय डिफॉल्ट किनको आपको ट्राई करके चलना है, तो ट्रेविस हेड, जैक फ्रेसर मैग्रुक दोनों अच्छे चॉइस है। उसके बाद मिचेल मार्श बाय डिफॉल्ट ये भी अच्छे चॉइस रहेंगे। जॉस इंग्लिश सेकंड इनिंग में इनको मत ट्राई करना, सिर्फ फर्स्ट इनिंग में इनको ट्राई करके चले जाना। बाकी मार्कस स्टोनिस और कैमरन ग्रीन ट्राई करके चले जाना, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से मौका मिल जाता है। इस वजह से क्या पता अगर एक विकेट भी निकाल लेते हैं और 10-20 रन स्कोर कर देते हैं तो ड्रीम टीम में आ जाएंगे। बाकी टीम डेविड को जीएल में ट्राई करके चलना, सीन अबाउट स्मॉल लीग के लिए बाय डिफॉल्ट पिक रहेंगे। बार्टलेट, जंपा और रिले मेरेदीत तीनों स्मॉल लीग के लिए बाय डिफॉल्ट पिक रहेंगे आपके लिए स्मॉल लीग में। कर लेते दोस्तों एक बेहतरीन फैंटेसी ऐप के बारे में, जहां पर नहीं आपको टीडीएस पे करना पड़ता है, नहीं जीएसटी पे करना पड़ता है। यहां पर आप टीडीएस और जीएसटी फ्री फैंटेसी ऐप खेल सकते हो और 2 मिनट का एक्स्ट्रा डेडलाइन मिलता है, जिससे अगर मान लो पहली ओवर में अगर विकेट गिर जाता है तो हम यहां पर आराम से चेंज कर पाएंगे। लाइक आपने कल देखा होगा जो मैच हुआ था लंकाशायर और ससेक्स के बीच में, उसमें पहली ओवर में फिल सॉल्ट आउट हो गए थे, पहली गेंद पे हमने सारी टीम्स में उनको चेंज कर लिया था, जिसकी वजह से हमारी काफी अच्छी खासी विनिंग हो गई थी। तो डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक है, जाओ एक बार चेकआउट करो। यहाँ का इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड, एंट्री फीस और 20,000 का फ्री गिवअवे सब कुछ प्रोवाइड होता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ डाउनलोड करो और चेकआउट करो, अच्छा लगे तभी खेलना। बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड के प्लेइंग 11 की, तो जॉर्ज मुंसी, ओले हेयर्स, उसके बाद ब्रेंडन मैकमुलन, रिची बैरिंगटन, मैथ्यू क्रॉस, माइकल लिस, क्रिस ग्रीव्स, मार्क ओट और जैक जार्विस, जे डेविडसन और ब्रैड विल, ये हो सकती है स्कॉटलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो कि इस मैच में खेल सकती है। बात करते हैं स्टार्टिंग ओवर, लास्ट मैच में स्टार्टिंग ओवर ब्रेंडन मैकमुलन कराते हुए दिखे थे और पहली ओवर में इन्होंने जैक फ्रेसर मैग्रुक को आउट कर दिए थे, टोटल इनको 2 ओवर मिला था। मैं भी 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी इस मैच में भी मिल सकती है इनको। ब्रैड विल, उसके बाद मार्क ओट, ये दोनों तीनों ओपनिंग कराएंगे और डेथ में आपको जे डेविडसन, ब्रैड विल और जैक जार्विस आपको डेथ में गेंदबाजी कराते हुए दिख जाएंगे। बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड के प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो मुंसी देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से अवेलेबल है, तो इनको आपको भूलकर भी ड्रॉप मत करना, ये आपके टीम के बाय डिफॉल्ट प्लेयर है। इनको वेन्यू पर भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, हेड टू हेड में भी ठाकरान स्कोर करके आ रहे हैं, रिसेंट में 28, 26, 46, 20 और 54 जैसा अच्छा खासा रिकॉर्ड है इनका। बाकी ओली हेयर्स का बात किया जाए तो 6, 20, 9, 15 और 4, हेड टू हेड में बात किया जाए तो एक मैच में 6 रन 6 की एवरेज और वेन्यू पर 9 मैच में 54 रन 6 की एवरेज से स्कोर कर रखा है। तो इनको आप जीएल में ट्राई करके चलना, स्मॉल लीग में काफी रिस्की ऑप्शन आपके पास ये हो सकते हैं। बाकी ब्रेंडन मैकमुलन बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से योगदान कर रहे हैं, तो ऐसे प्लेयर को आपको मिस मत करके जाना। इन्होंने लास्ट मैच में 19 और 1 विकेट, उससे पहले 4, 9, 6। देखो इनका जो रिसेंट है वो कोई खास है नहीं, बट हेड टू हेड ठीक है, वेन्यू भी ठीक ठाक कह सकते हो और बॉलिंग करा रहे हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज, तो इसको हम स्मॉल लीग की टीम में डेफिनेटली ट्राई करेंगे। बैरिंगटन की बात किया जाए तो 22, 17, 52, 38, 42, रिसेंट परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और जब भी मान लो ना स्कॉटलैंड की टीम कोलैप्स करती है तो यही हमेशा पारी को संभालते हैं, टीम के कैप्टन है तो कैप्टन सिपारी इस मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं। वेन्यू पर काफी तगड़ा रिकॉर्ड है, टीम को भी आप स्मॉल लीग में ट्राई करके जा सकते हो। बाकी मैथ्यू क्रॉस, इनको आप जीएल में ट्राई करके चलना, काफी रिस्की ऑप्शन हो जाता है स्मॉल लीग के लिए, इनका रिसेंट भी कोई खास नहीं, नहीं हेड टू हेड ना ही वेन्यू, तो इनको आप जीएल में रोटेट करके चलना। माइकल लिस्क देखो अगर कोई वीक टीम रहती है तो आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से शानदार परफॉर्मेंस करके देते हैं, बट जो सामने है स्ट्रॉन्ग टीम है जिनको बॉलिंग से काफी मार पड़े थे और बैटिंग से तो आउट ही हो गए थे जल्दी, तो ये बात आप ध्यान में रख के जा सकते हैं, इनको जीएल में रोटेट कर लेना, अदरवाइज स्मॉल लीग के लिए ये बाय डिफॉल्ट चॉइस हो सकते थे आपके लिए। बाकी क्रिस ग्रीव्स लास्ट मैच के लिए नहीं थे कुछ कारण की वजह से, बट मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में खेल सकते हैं और खेलेंगे तो सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे जब इनकी टीम गेंदबाजी कराएगी, तो फर्स्ट इनिंग में थोड़ा रिस्की रह सकते हैं। बाकी मार्क ओट देखो ये भी 2 विकेट पिक करके आ रहे हैं, तो सब लोग इनको काफी पिक करे, 85% सिलेक्शन इनका हो गया, बट ये बात याद नहीं रख के चलना कि ये सिर्फ बॉलिंग से पॉइंट देंगे और सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया की टीम स्पिनर्स अच्छा खेलती है, तो इस वजह से इनको आप चाहो तो ड्रॉप करके चले जाना, सेकंड इनिंग में सिर्फ ट्राई करना। बाकी जैक जार्विस इनको तो, और ब्रैड विल
और इसके बाद यह तीसरा ऑप्शन हो जाएंगे लाइक जे डेविडसन। इन तीनों में से किसी एक को ट्राई करना अगर स्कॉटलैंड की टीम पहले गेंदबाजी करती है तो। और सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे ब्रैड विल, ये मतलब काफी मतलब एक्सपीरियंस इनको खेलने का, बाकी उधर से जैक जार्विस का नहीं है, जे डेविडसन को भी उतना खेलने का एक्सपीरियंस है नहीं। बाकी इनके बेंच पे चार्ली टियर, ब्रैड कोरी, क्रिस सोल जो एक अच्छे तेज गेंदबाज है वो भी बैठेंगे बेंच पे, और माइकल जोन्स। अगर इनमें से कोई खेलता तो रिकॉर्ड आप यहाँ से चेकआउट कर लेना। बात कर लेते इस बॉलिंग में तो जॉर्ज मुंशी बाय डिफॉल्ट चॉइस, ओली हेयर्स इनको आप जीएल में ट्राई करके चलना, बाकी यहाँ से ब्रेंड मैकमुलन और रिची बैरिंगटन दोनों को स्मॉल लीग में ट्राई करके जा सकते हो, बाकी मैथ्यू क्रॉस को जीएल में, माइकल लिस्क स्मॉल लीग में टिक टॉक चॉइस रहेंगे सेकंड इनिंग में, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग भी आ जाएगी और सेकंड इनिंग में बॉलिंग भी अच्छा खासा करा सकते हैं। क्रिस ग्रीस, मार्क वॉट, इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करके चलना जब स्कॉटलैंड की टीम सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करे तो। बाकी जैक जार्विस, ब्रैड विल और यहाँ से जे डेविडसन, अगर स्कॉटलैंड की टीम पहली पारी में गेंदबाजी करे तब इनको ट्राई करके चले जाना। बात कर लेते कैप्टन वाइस कैप्टनशिप इस मैच के लिए, तो देखो कॉमन आपके कैप्टन रहेंगे ट्रेविस हेड, सीन एबोट और मार्कस स्टोनिस को या एडम जंपर को, सब लोग कैप्टन से वाइस कैप्टनसी दे के जाएंगे। बाकी अगर जीएल की बात करें तो जेक फ्रेशर, मैग्रूक, बार्टलेट और जंपा को आप जीएल में डेफिनेटली कैप्टन से वाइस कैप्टनसी करके चलना, आपका अच्छा खासा रैंक आ सकता है, खासकर मैग्रूक पर आप थोड़ा ज्यादा ही नजर बना के चलना। बात कर लेते हैं दोस्तों, अभी तक आपने हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि जो मैचेस का वीडियो हम यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाते हैं उसका वीडियो हम अपने सेकंड चैनल पे अपलोड करते हैं। तो देखो जो भी भाई वीडियो देख के टीम बनाते हैं उनको पता होगा कितना इंपॉर्टेंस होगा वीडियो का, क्योंकि आपको हर एक प्लेयर्स के बारे में प्रॉपर एनालाइज करके मिलता है, तो एक बेटर टीम आप क्रिएट कर सकते हो एंड आपके विनिंग के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाओ चैनल को चेकआउट करो और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब टीम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास जॉर्ज मुंशी रहेंगे, क्योंकि जॉर्ज इंग्लिश का बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे और मैथ्यू क्रॉस उतने अच्छे चॉइस नहीं होंगे आपके लिए इस मैच में। बाकी मिचेल मार्श, इधर से ट्रेविस हेड, जैक फ्रेशर, मैग्रूक और ब्रेंडन मैकमुलन को मैंने ट्राई कर रखा है अपनी टीम में। देखो मैकमुलन बॉलिंग करा रहे हैं इसके वजह से ट्राई कर रहा हूँ, बाकी उतने अच्छे चॉइस नहीं किनको स्मॉल लीग में ट्राई कर सके हम। ऑलराउंडर सेक्शन में मार्कस स्टोनिस और कैमरन ग्रीन को ट्राई कर रखा है, इन दोनों में किसी एक को ड्रॉप करके आप रिची बैरिंगटन को डेफिनेटली ट्राई करना। बाकी अगर बॉलिंग से बात किया जाए तो जंपा, सीन अबाउट, रैली मेरेदित और बार्टलेट, ये आपके लिए अच्छे खासे चॉइस चारों के चारों बॉलर रहेंगे स्मॉलिंग में सीएनबीसी के लिए भी, तो ये भी आप ध्यान में रख के चलना। कैप्टन से मैंने ट्रेविस हेड को और वाइस कैप्टन से मैंने सीन अबाउट को कर रखा है, आप चाहो तो वाइस कैप्टन से जंपा को कर सकते हो, बार्टलेट को कर सकते हो, मेरेदित को कर सकते हो, मिचेल मार्श या जैक फ्रेशर मैग्रूक। देखो ऑस्ट्रेलिया के मैक्सिमम जो जो सर्कल बना रखे सारे के सारे वाइस कैप्टनसी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी डिफॉल्ट ऑप्शन कैप्टनसी के लिए ट्रेविस हेड होंगे इस मैच में। तो देखो मिलते हैं आफ्टर टॉस प्लेइंग 11 परफेक्ट और बैटिंग ऑर्डर के साथ, बाकी उसके लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जाकर एक बार चैनल चेकआउट कर सकते हो। धन्यवाद।